मैंने प्रशासन से बोल दिया है अब नहीं चलेगा, मैं इधर का विधायक बन गया हूँ। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अभी तक जितने भी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है उन नामों में सबसे चर्चित नाम है इंदौर एक विधानसभा सीट से प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय का। कैलाश विजयवर्गीय आए दिनों अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहते हैं। अब एक बार फिर कैलाश विजयवर्गीय का एक बयान वायरल हो रहा है। पहले आप कैलाश विजयवर्गीय का ये बयान सुनिए। सही है कि मुझे महिलाओं ने बहुत सारी शिकायत की है कि आजकल ब्राउन शुगर की पुड़िया बहुत बिक रही है यहाँ पर। मैंने प्रशासन से बोल दिया है अब नहीं चलेगा, मैं इधर का विधायक बन गया हूँ, ठीक कर दूंगा। आप जो भी ब्राउन शुगर बेचेगा, जो भी नशे का व्यवसाय करेगा, अब उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसलिए प्रशासन को अभी से बोल दिया कि आप तैयारी करो, जो नशा बेचकर हमारी तरुणाई का जीवन बर्बाद करने का काम कर रहे हैं उनको खुली हवा में सांस नहीं लेने दूंगा, मैं ये आपको बता देता हूँ। इतना ही नहीं, कैलाश जनता को ये भी समझाते सुनाई दिए कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब क्या होगा। कांग्रेस को वोट देने का मतलब क्या है? डस्टबिन रहता है कि घर के अंदर, डस्टबिन में जलना है। कोई वोट देने से फायदा ही नहीं कांग्रेस को। विजयवर्गीय शायद ये भूल गए कि अभी तक ना ही चुनाव हुए हैं और ना ही चुनाव का परिणाम सामने आया है। चुनाव में जनता के वोट ही तय करेंगे कि इंदौर एक विधानसभा सीट से विधायक कौन होगा। इंदौर से कैमरामैन गौतम सरदार के साथ संजय गुप्ता की रिपोर्ट।